प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर का उद्घाटन करेंगे। बांध का उद्घाटन गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। बांध को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बांध से कई दिक्कतें होंगी। गुरुवार को इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जल संसाधन मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे। जहां एक तरफ गुजरात बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है सरदार सरोवर बांध के इनॉग्रेशन पार्टी की 17 तारीख को, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ वो परिवार जो इस बांध से प्रभावित हैं उन्होंने भी अपने जो हैं प्रोटेस्ट जो हैं उन्होंने तेज़ कर लिए हैं। दरअसल दिल्ली में आज काफ़ी परिवार जो इस बांध से प्रभावित हैं उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय के बाहर विरोध किया। उनकी मांग ये है कि किसी भी पार्टी के पहले, किसी भी उद्घाटन के पहले जितने परिवार बाकी हैं जिन्हें एक तरीके से सही तरीके से पुनर्वास मिलना चाहिए था, ज़मीन मिलनी चाहिए थी जो उनके हिसाब से नहीं मिली, ये वायदा सरकार को पूरा करना चाहिए। और उनके हिसाब से करीबन ऐसे 40,000 परिवार हैं जो अभी भी प्रभावित हैं, जिनको सही तरीके से या तो ज़मीन नहीं मिली या पैसा नहीं मिला या पुनर्वास ठीक से नहीं किया गया जो एक सरकार का वायदा था। तो ये परिवार अभी भी काफ़ी सारे वहीं पर घाटी में हैं और उनका कहना है कि जून में, इस महीने, इस साल के जून में जब गेट 30 जो गेट थे डैम के जब बंद कर दिए गए उसकी वजह से जल स्तर बढ़ गया है और इन लोगों के लिए ये अंतिम एक समाधि, जल समाधि के तौर बन जाएगी। तो जहाँ एक तरफ उनके हिसाब से जश्न की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी वहाँ जल समाधि होगी जब तक सरकार जो है सही कदम और अपने वायदे पूरे नहीं करती उनके पुनर्वास को लेके। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।